हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी। अगर आप परेशान हैं कि आपके फेस पे पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयाँ, या आपके फेस पे एक्ने या पिंपल्स के मार्क्स रह गए हैं, आपके फेस पे टैनिंग हो गई है, टैनिंग का जो कालापन होता है वो आपके फेस को डल बना रहा है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल। इस रेमेडी में जो मैं की इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ वो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगा और 100% नेचुरल है। कोई भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेंगे जो आपके स्किन के लिए साइड इफेक्ट करे। तो जो की इंग्रेडिएंट की बात करी थी वो है ये टमाटर। ये टमाटर हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा है और ये एक टमाटर हमारे स्किन से सारे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयां, एक्ने के स्कार्स या फिर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है, तो ये सारी चीजें इस एक टमाटर से आप रिमूव कर सकते हैं और ये इजीली आपके घर पे अवेलेबल भी है। आप चाहे तो बहुत पका हुआ जो टमाटर जो बहुत गल जाता है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये टमाटर की रेमेडी हमारे स्किन पे कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। सो गाइज, इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम टमाटर का यूज कर रहे हैं, टमाटर हमारे दाग धब्बे पिगमेंटेशन के लिए काफी अच्छा है, तो उसके लिए मैंने एक टमाटर को अच्छे से वॉश करके उसे ग्राइंड करके इस तरीके से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। बिल्कुल लम्ब्स फ्री है ये पेस्ट, ये हमारे स्किन पे ज्यादा अच्छे से लगता है और हमारे स्किन में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है अगर हम इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट मिला रही हूँ जो कि हमारे दाग धब्बे पिगमेंटेशन प्लस झाइयां हैं अगर आपको, तो उसमें बहुत ही यूजफुल है, वो है ये आलू। मैंने एक आलू को पील करके और उसका भी पेस्ट तैयार कर लिया। आप चाहे तो जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस से क्या होगा, जो हमारा फेस पैक बनेगा वो बहुत वाटरी हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू को पेस्ट बना लिया। और ये पेस्ट भी देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट है, इसमें भी कोई ऐसे लम्ब्स नहीं है, तो इस पेस्ट को मैं इस टमाटर में मिला दूंगी। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमारे स्किन के लिए बहुत यूजफुल है। आपको अगर टैनिंग की भी प्रॉब्लम है या आपका स्किन टोन बहुत डार्क हो गया है पहले से, तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो इस तरीके से आप टमाटर और आलू का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा जो फेस पैक है वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट और डालने वाली हूँ जो कि हमारे स्किन सेल्स को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों को, एक्ने स्कार्स को अगर वो रिमूव कर रहा है, टैन को रिमूव कर रहा है, तो दोबारा आपके स्किन में ग्लो भी लेकर आए, वो मैं भी ये भी चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विटामिन ई की एक कैप्सूल। और इसकी जगह आप विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास ये कैप्सूल अवेलेबल है, तो मैं इसमें एक कैप्सूल कट करके इसका ऑयल इसमें पोर कर दूंगी। तो ये जो ऑयल है वो मैंने इसमें डाल दिया है, विटामिन ई की एक कैप्सूल। दिस इज इवियन 400 कैप्सूल जो इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। तो इसको मिलाने के बाद ये हमारा कंप्लीट फेस पैक अब तैयार है। ये देखिए, ये ना ज्यादा वाटरी है ना ज्यादा थिक है। और इसका अगर आप जूस लेते हैं तो आपको फिर दोनों का जूस लेना है, टमाटर का जूस और आलू का जूस, फिर आप पेस्ट नहीं तैयार करेंगे और उसको एज अ सीरम यूज करेंगे। पर यहाँ पर हम फेस पैक बना रहे हैं और इस फेस पैक को ना केवल आप फेस पे, आप अपनी पूरी बॉडी पर, हाथ पैर पे, जहां आपको टैनिंग ज्यादा हो गई है वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये फेस पैक तो तैयार हो गया है, अब इसे अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये हमारे स्किन पे इफेक्ट करता है। और ये है हमारा वो फेस पैक जो हमने टमाटर और आलू से बनाया है, और इसको मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आप इजिली लगा सकते हैं, फिंगर से भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्पून से। इस स्पून का जो पीछे वाला पार्ट है उस पर मैं इस तरीके से लगा लूंगी और इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। आई थिंक हेयर को भी टाई अप कर लेना चाहिए जब हम फेस पैक लगाते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से मैं फेस पैक लेकर अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर लूंगी, और जहां जहां आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है वहां वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे है, आप स्पून के इस तरीके से पीछे वाले पार्ट से इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए, पूरे फेस पे लग जाता है।
तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे जो टमाटर और आलू का जो पैक है वो बिल्कुल अप्लाई कर लिया है और इसको हमें रखना है 10 to 15 मिनट्स। उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1/2 आवर, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। और उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और अब मैं आपको पोंछ के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हमने ऑयल मिलाया है तो ऑयल से एक शाइन भी आ जाती है हमारे स्किन में। और इस तरीके से हमको डैप करते हुए पूरा स्किन जो है, फेस जो है, वो पोंछ लेना है और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो जाती है। आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे, जितनी भी छाइयां रहती है, या आपको ये दिखना है ये माउथ जो पोर्शन रहता है वो बहुत ब्लैक हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ का जो कालापन रहता है वो सही हो जाता है, या आपके फोरहेड पे कालापन है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जो आपके एक्ने स्कार्स वगैरह है, पिंपल के जो दाग धब्बे रह जाते हैं ना, वो सब चले जाते हैं। तो इसे जरूर ट्राई करिएगा इस फेस पैक को, ये बहुत सही वर्क करता है और धीरे धीरे आपके स्किन टोन का जो शेड है उसको भी ब्राइटर करता है। तो कैसा लगा ये फेस पैक आप मुझे जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी इफेक्टिव रेमेडी थी और बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत कम टाइम पे बन जाता है। मतलब थोड़ा बहुत भी टाइम अगर आपको मिले तो आप इसे बना के अपने फेस पे, अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है बस। तो इसको आप अपने रूटीन में लेकर आइए अगर आपको दाग धब्बे पिगमेंटेशन से सही में छुटकारा पाना है, और ये बिल्कुल आपके फेस पे वैसा ही वर्क करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये रेमेडी उन तक भी पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्किन का ख्याल रखिए, बी हेल्दी एंड बी ब्यूटिफुल। गुड बाय।